करते हैं बिहार का, क्योंकि यहां पर भी बाढ़ बारिश से हर साल हालात खराब होते हैं। कई इलाके मुख्य सड़कों से कट जाते हैं, आने जाने का जरिया सिर्फ नाव होती है। हम आपको यहां से रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए लालू यादव के इलाके राधोपुर से ये रिपोर्ट, जहां पर सीएम और डीएम डिप्टी सीएम को जाना पड़ा, तो फिर खुद इन दिग्गज नेताओं को उनकी कारों से नहीं बल्कि नाव से जाना पड़ा। ये तस्वीरें अपने आप में यहां की दुर्दशा को बयां कर रही है। लाव लश्कर के साथ गंगा किनारे तक पहुंचा नीतीश कुमार का काफिला, और फिर काफिले की गाड़ियों ने की नाव की सवारी। नीतीश कुमार किसी बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर नहीं जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिस इलाके की यात्रा करने जा रहे हैं, वो दो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों वाला वीवीआईपी इलाका है। ये है राघोपुर दियारा, जहां से लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बताया कि 1975 में भी वो नाव से ही राघोपुर दियारा के दौरे पर आए थे। नीतीश कुमार यहां लालू यादव के पुराने साथी और बिहार के पूर्व मंत्री भोला राय को श्रद्धांजलि देने आए थे। भोला बाबू से हमारा परिचय 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हम आए थे, जब मूवमेंट चल रहा था वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे, और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का, तो उसी समय से हमारा संपर्क समझ लेना। साफ है कि आजादी से 1975 तक और 1975 से 2022 अब तक राघोपुर दियारे के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला। यहाँ के लोग अरसे से पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पीपा पुल बरसात आते ही बेकार हो जाता है। बड़े बड़े नेताओं के लाभ लश्कर के लिए तो खास इंतजाम हो जाता है, लेकिन जनता के लिए 17 साल के सुशासन के बाद भी एक पुल का इंतजार बाकी है। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक।